वापस सुनाओ। अरे रुको, अभी सॉन्ग सुनाने का टाइम नहीं है। अभी आपके लिए मैं नया फ्रूट लाई हूँ एक। ये देखो कैसा फ्रूट है, गेस करो। प्लम? नो, ये चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। ये जो है वो क्वीन ऑफ फ्रूट्स है। आप गेस करो। नहीं तो ये है आपके फेवरेट फ्रूट, ग्रेप्स। ऐसे ग्रेप्स? मैंने दो तरह के तो ग्रेप्स देखे हुए हैं, ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स। ये कौन से ग्रेप्स है? पर ये है रेड ग्रेप्स, इसी को तो कहते हैं क्वीन ऑफ द फ्रूट्स। अब चलो इसे ओपन करो, टेस्ट करके बताओ सबको। ओके, देखा कितने यमी लग रहे हैं ये। वाओ, देखने में तो यमी यमी लग रहा है। है ना टेस्टी? Yes. इसीलिए तो इसे क्वीन ऑफ द फ्रूट्स कहते हैं। किंग ऑफ द फ्रूट्स तो मैंगो होता है और ये है क्वीन ऑफ द फ्रूट्स। और क्या आपको इसके बेनिफिट्स पता है? नो, लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंड्स को भी नहीं पता। ग्रेप्स, क्वीन ऑफ द फ्रूट, रेड ग्रेप्स। आराध्या, इट कंटेन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट नोन एज पॉलीफेनॉल्स। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिन्हें पॉलीफेनॉल्स के नाम से जाना जाता है। प्रिवेंट हीट डिजीज, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, एंड इट इज इसेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग कॉन्स्टिपेशन। और ये कॉन्स्टिपेशन को मिनिमाइज करने के लिए भी खाए जाते हैं। It help to alleviate symptoms of allergies. Grapes may lower your risk of cancer. इससे जिन लोगों को कैंसर होने का रिस्क होता है, इस ग्रेप से उन्हें कैंसर नहीं होता है, या फिर लो हो जाता है उनका रिस्क कैंसर होने का। It prevents diabetes. And red grapes also contains vitamin A, B1, B2, B6 and C. देखा राधिया, इसमें कितने सारे विटामिन्स हैं? आपने नाम पढ़े? कौन से विटामिन्स होते हैं? ए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B6 and विटामिन C. और इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एलिएजिक एसिड, रिजर्वेट्रॉल एंड सल्फर कंपाउंड्स इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, क्योर्स अस्थमा। और जिन लोगों को अस्थमा की डिजीज होती है, इस रेड ग्रेप्स को खाने से उनकी जो अस्थमा डिजीज है वो ठीक हो जाती है। स्ट्रेंथनिंग मसल्स एंड बोन्स, और ये हमारे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हम इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आराध्या, आप इसे रोज खाना, उससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, प्रिवेंट कैविटीज, और जिन बच्चों के टीथ में कैविटीज हो जाती है ना, उनको ये खाना चाहिए, इससे कैविटीज नहीं होती हैं। रिड्यूस एसिडिटी, फाइट एलर्जीज, गुड फॉर हाइड्रेशन, और जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें रेड ग्रेप्स खाना चाहिए, उससे हाइड्रेट रहते हैं हम। बेटर आई हेल्थ, और इट इज गुड फॉर बेटर आई हेल्थ, इससे हमारी तो देखा आराध्या, इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है रेड ग्रेप्स के। और आराध्या, आज आप पूरी रेड ग्रेप्स से मैचिंग लग रही हो, आपने पर्पल फ्रॉक पहनी है, और आपकी पिंस भी तो दिखा दो, पिंस भी तो बहुत मैचिंग है रेड ग्रेप से। और कौन सी चीज मैचिंग है? आराध्या की फेवरेट चीज, सो फ्री टाइम में करती है, ये भी तो मैचिंग है आपकी, आपका गिटार। मेरा फेवरेट टॉय। हाँ, आपका फेवरेट टॉय। और अब आप रेड ग्रेप्स रोज ईट करोगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कैविटी, और कैविटी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 3 times ब्रश करना चाहिए और रेड ग्रेप्स खाने चाहिए, उससे कैविटी नहीं होती है, इससे एसिडिटी भी नहीं होती है, और ये हमारी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।